देखना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या कमलनाथ जी। पर मुद्दा ये भी आता है कि केवल ये बोल देने से काम नहीं चलेगा राहुल गांधी जी, कि मुझे लगता है कि ये शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। सही मायने में राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए एक दलित महिला से। सही मायने में सोनिया जी को, राहुल जी को और प्रियंका जी को, कमलनाथ जी को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। केवल आप इतिश्री करोगे ये बोलकर कि ये शब्द अच्छे नहीं थे, इससे काम नहीं चलेगा। मैं पहले भी कहता आया हूँ, ये केवल महिला का अपमान नहीं है, ये दलित महिला का अपमान है। ये केवल दलित महिला का अपमान नहीं है, पूरी समाज का अपमान है। और ये केवल मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का अपमान है। इस देश की राजनीति में, इस मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह की परंपराएं नहीं रहती। और फिर एरोगेंस, घमंड। मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूँ कि घमंड तो रावण ने भी दिखाया था, पर इसी महीने दशहरा है, जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था तो उनसे कहा गया था कि एक बार माफ़ी मांग लो, और यही घमंड उनका था कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं। और आप देखिए सदियों बाद तक रावण के पुतले जल रहे हैं। तो कमलनाथ जी ध्यान रखिए, ये महीना नवरात्रि का भी है। नवरात्रि का मतलब नारी के सम्मान के माध्यम से नारी की पूजा करना, और उसके साथ साथ दशहरा मतलब इस बात का कहीं ना कहीं सीख लेना कि रावण जैसा घमंड किसी का नहीं चलता। रावण के पुतले सदियों तक जल रहे हैं, कमलनाथ जी माफ़ी नहीं मांगोगे तो समझ लो आपका हश्र क्या होगा।